आज इंडिया में पॉपुलर हुई गाड़ियों को मिड साइज एसयूवी के नाम से जाना जाता है। मिड साइज एसयूवी जितनी भी आती हैं या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी आती हैं, सभी की सभी प्रीमियम फीचर्स और प्रीमियम लुक्स के साथ आती हैं। लेकिन हुंडई वेन्यू को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी गाड़ी कही जाती है, और हुंडई की तरफ से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। उसी के सेगमेंट की ही सेम गाड़ी आने वाली हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट सीएनजी के साथ। सीएनजी में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, ये हम जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो में आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट की बात मैं कर लेता हूं, तो 8,50,000 रुपए से लेके ये 10,00,000 के प्राइस पॉइंट तक की आ सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और ये लॉन्च कब तक हो जाएगी, तो जनवरी 2024 तक की एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्च भी हो सकती है। और B2 सेगमेंट की ये एसयूवी 1.2 लीटर के साथ ही देखने को मिलेगी, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगी। और इस गाड़ी की अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं, तो डायमेंशंस मेरे को लगता है जहां तक सेम रहने वाले हैं, 3995 मिलीमीटर के इस गाड़ी की लेंथ है। वहीं वेथ की बात करते हैं, 1770 मिलीमीटर के इस गाड़ी की वेथ है। हाइट की बात करते हैं तो 1605 मिलीमीटर के इस गाड़ी की हाइट है। व्हील बेस की बात करें तो 2500 मिलीमीटर का इस गाड़ी का व्हील बेस है। और लास्ट में चलते चलते बता देते हैं कि अगर आपको बूट स्पेस गाड़ी में चाहिए तो 350 लीटर का इस गाड़ी में बूट स्पेस भी ऑफर किया जाता है। हालांकि सीएनजी वाली है तो 210-212 लीटर तक बूट स्पेस मिल सकता है। वहीं ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 190 मिलीमीटर का इस गाड़ी में ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर कैपेसिटी जो है आने वाली है इस गाड़ी में। और जैसे मैं बता रहा था कि इस गाड़ी को सीएनजी में लॉन्च किया जाएगा, तो सीएनजी में आपको 7 लीटर बैटर कैपेसिटी वाला टैंक देखने को मिलेगा, जो कि सीएनजी टैंक है। 9 किलो उसमें अराउंड गैस भी आ जाएगी। और ये गाड़ी ना प्रोड्यूस करके पावर भी ठीक ठाक दे देगी सीएनजी के साथ। इस गाड़ी में पावर आप सभी लोगों को 83 हॉर्स पावर जनरेट करके दे देगी, उसके साथ साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है इस गाड़ी में जनरेट करके दे सकती है। उसके साथ अगर हम गाड़ी के वेट की बात करते हैं तो 1081 किलोग्राम का इस गाड़ी का वेट फुल रहने वाला है। तो हुंडई की तरफ से आने वाली हुंडई वेन्यू सीएनजी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इसकी कोई और भी डिटेल्स मिलती है तो आप लोगों के लिए हम जरूर शेयर करेंगे। बस ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।